कथन करेंगे ब्रूनर के जो सिद्धांत मैं कल बता रही थी आपको, तो ब्रूनर ने अपने थ्योरी में, ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि किस तरह के प्रश्नों को उत्तर जानने की कोशिश की थी। उन्होंने दो प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की थी कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं, अर्थात जो होता है शिशु किस ढंग से जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसको मानसिक रूप से कैसे बताते हैं, और दूसरा था कि शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है, यानी इन्फेंसी और चाइल्ड में जो बच्चे होते हैं उसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ब्रूनर ने बताया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से तीन तरीकों द्वारा सीखता है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से तीन तरीकों से बताता है या तीन तरीकों से सीखता है। तो पहले उन्होंने बोला था इनएक्टिव स्टेज जो होती है जन्म से लेके 18 महीने तक होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जन्म से लेके जो 1.5 साल तक की अवस्था होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पियाजे जैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे तो उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी, और जब ब्रूनर की बात करते हैं तो इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की थी। तो पहला स्टेज था इनका सक्रियात्मक अवस्था, और जिसका एज क्या है, जन्म से लेके 1.5 साल तक की अवस्था 18 मंथ तक की है। इस एज में क्या होता है, जो सक्रियात्मक अवस्था होती है या इनएक्टिव स्टेज होता है, इस अवस्था में शिशु अपनी अनुभूतियों द्वारा एक्शन करता है, मतलब कि क्रिया द्वारा सीखने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी कि जैसे देखते हैं ना, दूध का बोतल देख कर शिशु क्या करता है, हाथ मुँह फेंकने लगता है, अर्थात हाथ मुंह फेंकने लगता है, अर्थात दूध पीने की इच्छा को व्यक्त करता है। तो इसी को हम बोलते हैं सक्रियता अवस्था। जैसे शिशु द्वारा दूध की बोतल को देख के हाथ पर चलाना शुरू करता है, तो यहाँ उन्होंने बताया कि इनएक्टिव स्टेज होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, वो लगभग नगण्य होती है इस अवस्था में। तो जन्म से लेकर 18 महीने तक की जो अवस्था होती है उसे हम सक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा आइकॉनिक स्टेज, जिसको बोलते हैं, जो दृश्य प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये होता है 18 महीने से लेकर के, यानी 1.5 साल से लेकर 6 साल तक की अवस्था को बोला जाता है। और इसमें क्या करता है, जो भी बच्चे होते हैं इस स्टेज को, जो बच्चे होते हैं अपने मन में कुछ विजुअल इमेजेस बनाकर अपने एक्सप्रेस को व्यक्त करते हैं, यानी विजुअल इमेज बनाते हैं और एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं, अपनी अनुभूति को जो होती है विजुअल इमेज के द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि भाषा, इस समय जो भाषा के द्वारा व्यक्त करने लगते हैं कुछ भी, जैसे माँ का दृश्य प्रतिमा उनके सामने है, माँ है, तो माँ को बोलकर अपने भाषा के द्वारा वो व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। ये है आपकी दृश्य प्रतिमा अवस्था, जो 18 महीने से लेकर 6 साल तक की होती है। इस समय भाषा का विकास होने लगता है। चमक और शोर जो होता है, मतलब लाइट और शोर से बच्चे होते हैं अपने आप को प्रभावित करने लगते हैं, चमक उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है, और इसको छायात्मक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में जो बच्चे होते हैं अपनी छाया से खेलते हैं या छाया से डरते हैं, दोनों खेलते हैं, खेलते भी हैं और अपनी छाया से, खुद की छाया से वो डरने लगते हैं। तीसरी स्टेजेस होती है सांकेतिक विधि, जिसे सिंबोलिक मोड भी कहा जाता है, और इसे अमूर्त चिंतन के भी नाम से जाना जाता है, जो 6 साल से ऊपर की अवस्था होती है। सिंबोलिक मोड को हम बोल सकते हैं कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, यानी बच्चा जो होता है अमूर्त चिंतन करने लगता है, और साथ ही साथ गणित होता है, मैथमेटिक्स होता है, और लॉजिकल रीजनिंग का भी उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, उसमें विचारों का विकास होने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट की बात की गई है। उन्होंने एक प्रयोग भी किया था, जो प्रयोग आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस तरह हम देखते हैं कि जो ब्रूनर है, तो ब्रूनर के जो डेवलपमेंट है उसमें 3 स्टेजेस है, पहला है इनएक्टिव, दूसरा है आइकॉनिक, और तीसरा है सिंबोलिक मोड। तो कहीं ना कहीं ब्रूनर और पियाजे में थोड़ा बहुत अंतर तो है, लेकिन हम देखते हैं पहला स्टेज आप देखिए, जो उधर मोटर सेंसरी मोटर स्टेज है उससे थोड़ा बहुत मिलता है, जिसमें रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ है, जिसमें मोड के द्वारा ही हमने बताया था। तो आज हमने जाना है कि ब्रूनर थ्योरी के स्टेजेस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और ब्रूनर के सिद्धांत में यह किया गया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एक सीक्वेंस प्रोसेस माना था, बालकों के चिंतन तथा प्रतिमा को महत्वपूर्ण माना था। ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या पियाजे के सिद्धांत की प्रथम 3 अवस्थाओं के समानांतर है। इसके बावजूद ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा के
भाषा के विकास पियाजे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना है, अर्थात भाषा को इन्होंने किस पियाजे की तुलना में ब्रूनर ने अपने अपने जो डेवलपमेंट है उसमें भाषा को इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। और ब्रूनर के अनुसार बालकों में थिंकिंग में होती है, थिंकिंग में भाषा की काफ़ी अहमियत होती है। पियाजे के सिद्धांत में बालकों के चिंतन में उनकी परिपक्वता एवं अनुभूतियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने परिपक्वता को ज़्यादा माना है, लेकिन यहाँ इन्होंने अपने स्टेजेस में तीन स्टेजेस की बात की है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।